हाँ, मेरा नाम राजेश है। मैं रावंतपुर उत्ता गार्डन में रहता हूँ। मेरा बेटा है जो ध्रुव 11 साल का है। वो सफ़र हो रहा था ब्रोंकाइटिस से, अस्थमेटिक प्रॉब्लम था उसको, और हमने बहुत सारे डॉक्टर के पास में उसको ट्रीटमेंट दिलाया था बाहर में, लेकिन हमेशा मतलब कुछ टेम्पररी रिजल्ट्स मिलते थे। जैसे इनहेलर यूज़ करते थे, थोड़े डॉक्टर ने इनहेलर यूज़ करने के लिए, थोड़े डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स के डोसेस दिए थे बहुत सारे, लेकिन टेम्पररी ठीक होता था, लेकिन फिर कभी वेदर चेंज हो जाए, कोल्ड बढ़ जाता था एकदम, और बहुत सारा फिर से खांसी आना, फिर हमेशा हम लोगों को हमेशा डर लगता था जब भी बारिश हो या थोड़ा ठंडी सर्दी ज़्यादा हो तो हमें हमेशा डर लगता था। लेकिन उसके बाद में मेरे अंकल उन्होंने मेरे को डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का एड्रेस रेफरेंस किया था, और हम लोग आके मिले उनको। मिलने के बाद में मेरे को डॉक्टर जी ने आश्वासन दिया कि आपके बेटे को मैं बहुत जल्दी ट्रीटमेंट देके एकदम तंदुरुस्त बना सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में उन्होंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और उसके 10 दिन के अंदर ही मुझको रिजल्ट मिलना चालू हो गया। उसके बाद में बहुत सारे वेदर्स चेंज हो गए, इसका खांसी नहीं आया, ना सर्दी हुआ ज़्यादा, और इसका कंसंट्रेशन स्टडीज़ में नहीं लगता था पहले, ना अभी उसका कंसंट्रेशन भी लग रहा है, और बहुत एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा आ गया है। उसके बाद में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये एस्थमेटिक के लिए बाहर पूरे टेम्पररी इलाज है, परमानेंट इलाज कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि सिर्फ होम्योपैथी में ही ऐसा है कि जहाँ इसका परमानेंट इलाज हो सकता है। तो अभी 10 दिन से तो ट्रीटमेंट होने के बाद में हम लोग इतने हैप्पी है, हमें अभी डर नहीं लगता कि सर्दी वेदर चेंज हो जाए तो कुछ हो जाएगा, इसको हॉस्पिटल ले जाना है या कहीं एडमिट करना है या ये होना है, अभी हमें डर नहीं लगता। और उसके साथ में पैसे की भी बात आती है बाहर बहुत सारे, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसे खर्चा होते हैं, और कॉरपोरेट वहाँ पे हम लोग बात नहीं कर सकते ज़्यादा, जो डॉक्टर ठीक समझे वही करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों से भी आज़ादी मिली है मुझे, और इसका ट्रीटमेंट अभी चालू है, और ही इज़ फीलिंग वेरी वेल, बहुत सारा फ़र्क गिरा है। इसके बाद में मेरा भाई जो है उनका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने है, उन्होंने भी यहाँ ही डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के पास में ट्रीटमेंट लिया है। वो US में रहते हैं, फिर भी आने के बाद में वो टाइम निकाल के आके यहाँ पे सुभाष चंद्र जी के पास मिल के उन्होंने दवाई ली है, और अभी वो इतने रिलीफ हो गए हैं, उनके भी इनहेलर्स पूरे बंद हो गए हैं। और मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी को कि यहाँ पे एस्थमेटिक का ट्रीटमेंट 100% मिलेगा आपको, इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, यही मैं बोलता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाहर यहाँ वहाँ कॉरपोरेट हॉस्पिटल में पैसा खर्चा करने से कुछ नहीं होता, जो भी है यहाँ पे 100% आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और 100% रिजल्ट आएगा उसका। थैंक यू वेरी मच।